जुमे की नमाज के ब्रेक पर ब्रेक लगाने को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि असम की ये फैसले की गूंज बिहार में भी सुनाई देने लगी। तेजस्वी यादव ऐसा बिलबिलाए कि मानो उनकी सियासी जमीन खिसक गई हो। लग रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी कांपेंगे, लग रहा था कि मौलाना इस पर बड़बड़ाएंगे, लग रहा था कुछ और बयान आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असल में तेजस्वी यादव बिहार के लाल खैरात में मिली हुई सियासत करने वाले 9वीं पास तेजस्वी यादव इस पूरे मामले पर ऐसा बिफरे कि उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा से सीधे तौर पर पंगा ले लिया। अरे तेजस्वी यादव एक फैसला क्या लिया, उसके मिर्ची बिहार में लग गई? ऐसा क्या हुआ जो आप बताने लगे उन्हें चाइनीज वर्जन? ऐसा क्या हुआ जो तेजस्वी कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं और बीजेपी वाले मुसलमानों के खिलाफ? मैं पूछता हूं आपसे तेजस्वी यादव, बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था तब मुंह में दही काहे जम गई थी? तब आपके पिता और आपका परिवार ना राबड़ी बोल रही थी, ना आपका बयान आया, ना तेज प्रताप कुछ बोल पाए, आपकी बहनों में से भी कोई नहीं बोल पाया। आखिर क्यों? क्या उस वक्त आपको हिंदू की याद नहीं आई? क्या उस वक्त आपको यह नहीं दिखाई दिया कि वहां भी कोई भाई तड़प रहा है, वहां भी कोई बहन के साथ अत्याचार हो रहा है? लेकिन जब जुमे की नमाज के ब्रेक पर ब्रेक लगा तो तेजस्वी यादव कांप उठे हैं। जी हां, असम के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा के एक फैसले ने इस वक्त पूरे देश में सियासत को मजेदार बना दिया है। कोई उन्हें पूर्वोत्तर का योगी बताता है तो कोई कहता है हिमंता भाई तूने कर दिया कमाल। लेकिन इसी बीच जिस परिवार को मिर्ची लगी वो बिहार का यादव परिवार, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और साथ ही लालू प्रसाद यादव। इसमें तेजस्वी यादव बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम बयान देते हैं और कहते हैं कि हिमंता उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का चाइनीज वर्जन है और वो लगातार मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। किस बात की परेशानी तेजस्वी यादव? क्या जब देश की संसद के अंदर जुमे की नमाज के लिए ब्रेक नहीं है तो आखिर असम में ऐसा क्यों था? क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों पर जब असम के सीएम कार्रवाई करते हैं तो दिक्कत आपको होती है? और आप कितने बड़े मुस्लिम हितैषी हैं, आपके बारे में हर कोई अच्छे से जानता है, आपके परिवार की सियासत भी रही है और इसे भी हर किसी ने देखा है जब आप कई मौकों पर सफेद टोपी लगाए दिखाई दी। मेरा सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, मेरा सवाल जुमे की नमाज पर लिए गए इस फैसले पर भी नहीं है, लेकिन मेरा सवाल आपसे तेजस्वी यादव यह है कि जब आपको मुसलमानों को लेकर जुमे की नमाज वो भी सदन के अंदर ब्रेक पर ब्रेक लगाया गया जिससे कम से कम सदन की कार्यवाही अच्छे से हो सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और लोगों के जो टैक्स का पैसा जाता है कम से कम उन्हें न्याय तो मिले, उस 2 घंटे के ब्रेक के चलते सदन की कार्यवाही ठप तो ना हो। अरे भाई वैसे भी तो गिनती के 10-12 दिन सदन की कार्यवाही होती है कई महीनों में और उसमें भी अगर आप ब्रेक लेने लग जाइएगा तो ये तो जनता की साथ ना इंसाफी है ना। और जब इस फैसले पर एक हिंदू शेर सख्त कदम उठा लेता है तो तेजस्वी यादव उन्हें चाइनीज वर्जन बताने लगते हैं। दोस्तों क्या आपको भी लगता है तेजस्वी यादव इस वक्त बिहार के अंदर अपनी सियासी जमीन खो चुके हैं? क्या तेजस्वी यादव को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर नहीं बोलना चाहिए था? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर तेजस्वी यादव ने ऐसा क्या कहा है। दरअसल तेजस्वी यादव से जब जुमे की नमाज पर ब्रेक पर ब्रेक की बात पूछी गई तो ये कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चाइनीज वर्जन है। ये किसे कह रहे? हिमंता बिस्वा शर्मा। अरे हिमंता डरते नहीं हैं और तेजस्वी यादव उन्हें खैरात में सियासत नहीं मिली है। वो जमीन से उठकर, वो कॉलेज की सियासत से निकलकर, वो कांग्रेस में भी रहे लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए और उनकी सियासत का ये लंबा एक्सपीरियंस है। लेकिन आपको सियासत कैसे मिली मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जनता अपने आप ही कमेंट कर बता देगी कि तेजस्वी यादव को सियासत कैसे मिली है। अब उनसे जब पूछा गया असम में लिए गए इस फैसले को लेकर तो तेजस्वी ने कहा कि जब तक हम लोग हैं तब तक मुसलमानों का कोई बाल नहीं बाका कर सकता है।
जब तक आप लोग हैं तब तक हिंदुओं के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? हिंदुओं का बाल बांका कैसे हो गया? हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में अत्याचार की सारी हदें पार हो गई, तब क्यों मौन थे? मैं मानता हूं कि आप कुछ कर नहीं सकते थे, मैं मानता हूं कि आपके हाथ में सत्ता भी नहीं है, लेकिन जुबान तो खुल सकती थी ना। उन हिंदुओं के लिए कम से कम ये कह सकते थे ना कि हाँ दूर से ही सही, लेकिन हम खड़े हैं, डंके की चोट पर खड़े हैं। जब वो सड़कों पर थे तो उन्हें कुछ सहानुभूति ही मिलती कि कम से कम बांग्लादेश से कई किलोमीटर की दूरी पर बसा बिहार भी हमारे समर्थन में है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप कहते हैं कि मुसलमानों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मुसलमान और हिंदू इस देश में बड़े ही भाईचारे के साथ रहते हैं और इसे देकर किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब मंगलवार को हनुमान चालीसा के लिए असम में या फिर किसी भी विधानसभा के अंदर जब इजाजत नहीं है, 2 घंटे का ब्रेक नहीं है, तो जुमे की नमाज के लिए किस बात का? और यही तो फैसला लिया गया ना, तो फिर इतनी दिक्कत किस बात की हुई? यहां तक आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं। कभी वक्फ बोर्ड तो कभी CAA और NRC पर बिल लाया जा रहा है, किसी न किसी तरह से अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है। बीजेपी समाज में नफरत फैलाना चाहती है। CAA से क्या हुआ आप जानते नहीं है? कितने ऐसे परिवार हैं जो आज अमित शाह का, जो देश की सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपकी वजह से हम इतने सालों से जो शोषित वंचितों की तरह रह रहे थे आखिरकार हमें न्याय मिला है। और NRC की तो दूर दूर तक कोई बात ही नहीं है, हवा में फैला रहे हैं। रही बात वक्फ बोर्ड की, तो इस सवाल का जवाब आप में से कौन देगा कि जिस वक्फ बोर्ड के पास कभी इतनों से संपत्ति थी, आज उसके पास 9 लाख करोड़ एकड़ से ज्यादा की जमीन कैसे हो गई? कैसे वक्फ की जमीन लगातार फलती फूलती जा रही है और गरीब मुसलमान गरीब बनता ही जा रहा है? आखिर क्या वक्फ का सही मायने में लाभ उन गरीब मुसलमानों को नहीं मिलना चाहिए? मेरी भी कई मुस्लिम भाइयों से बात हुई, उन्होंने डंगे की चोट पर इस बात को कहा कि हाँ वक्फ संशोधन कानून आना चाहिए था, क्योंकि इसकी वजह से अब ट्रांसपेरेंसी आएगी, ये पता चल पाएगा कि आखिर पीछे पर्दे के कोई खेल तो नहीं हो रहा है, और इसी को लेकर आप परेशान हैं। अब आपकी बात आती है अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है, कि मैं आपको बता दूं कि आज देश में जो भी पॉलिसी होती है उसमें हिंदू मुसलमान साहब नहीं पूछा जाता। ग्राउंड पर उतरते तो पता चलता कि हिंदुओं के भी घर बनते हैं, मुसलमानों के भी घर बन रहे हैं, हिंदुओं के भी शौचालय बनते हैं तो मुसलमानों के घरों में भी शौचालय पहुंचते हैं। किसान में हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता, हर किसी को प्रधानमंत्री योजना के तहत खाते में पैसे मिल रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों की बात हो तो वहां पर भी राशन योजना से लेकर तमाम योजनाओं का लाभ हर कोई उठा रहा है। तो सियासत कौन कर रहा है, तुष्टिकरण की सियासत कौन कर रहा है, ये जनाब अच्छे से हर कोई जानता है। तेजस्वी ने कहा कि देश की आजादी में सभी लोगों का योगदान है, बिल्कुल है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के योगदान को कौन भूल सकता है? कौन भूल सकता है अबुल कलाम को? कौन भूल सकता है उन मुसलमानों के योगदान को जिन्होंने देश की आजादी से लेकर आज तक देश के इतिहास में उनका नाम है, कई मौकों पर उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। कौन भूल सकता है मोहम्मद शमी को जिन्होंने विश्व कप 2023 में अपने गेंदबाजी से पूरे देश का सीना 56 इंची चौड़ा कर दिया था। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं। मुसलमानों ने भी कुर्बानी दी और इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता। संविधान में हर धर्म को समानता और मान्यता का अधिकार है। मुसलमानों का अधिकार छीन सके ऐसा कोई माई का लाल नहीं है। तेजस्वी यादव खोलकर बोलते हैं और ऐसे लहजे में बोलते हैं कि किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं कि वो मुसलमानों को छेड़ सके और उन्हें परेशान कर सके। कोई परेशान करने नहीं जा रहा है, लेकिन परेशानी इस बात की है जिस असम जैसे राज्य में जो हिंदू बाहुल्य राज्य है, अगर वो 10 से 15 सालों के अंदर मुस्लिम बाहुल्य बन जाता है तो आखिर क्या चल रहा है इसमें? देश में रह रहे मुसलमानों से ज्यादा चिंता पता है किस बात की है? बांग्लादेश से आ रहे घुसपैठिया मियां भाइयों की, और यही सबसे ज्यादा असम में चुनौती है। इस पर ही रोकथाम लगाने के लिए हेमंता एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं और वो डंके की चोट पर कदम उठाते रहेंगे, वो किसी से डरने वाले नहीं है। खैर, तेजस्वी यादव की सियासत को आप कैसे देखते हैं और उनके दिए हुए इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपना समर्थन दें।